कौन सा नहीं लियो बेड़ो ठीक है यार साले मैं छोड़ दूँ हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जय श्री राधे कृष्णा। सो अभी 5 बजे मॉर्निंग के और हम निकल रहे हैं इधर से होटल से। हम जा रहे हैं रोहतांग बर्फ़ में। हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बाद में पूरा मतलब ट्रैफिक हो जाता है। अभी ये हमने लिए सूज, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ऊपर मतलब स्लिप होंगे या जो सूज वगैरह और सैंडल वगैरह पहने ये स्लिप होंगे, इसलिए वो लोग गए हैं वहाँ पे दुकान पे सबके लिए ये लेने के लिए। और मैंने मेरी तो सारी पहनी हुई है तो फिर मैं ऐसे ज़्यादा बैठने के बाद मैं ऐसे ना इतनी धुलती नहीं हूँ क्योंकि साड़ी पहनना बहुत मुश्किल और उसे रखना और भी मुश्किल। मोना फिट हो गए ना तेरे? अब ए सी पी है, ठीक करनी। हमने एक्चुअली क्या गाड़ी दूसरी ली है वगैरह वो भी चल रहे हैं और गाड़ी किराए पे ली है हमने, बड़ी गाड़ी है ताकि आराम से सब आ गए इसमें। अभी हम निकले 5 बजे निकले थे ना, अभी बीच में रुके यहाँ पे ले रहे हैं ड्रेस ले रहे हैं। अभी देखो बर्फ़ तो है काफ़ी इसलिए बोल रहे हैं ठंड हो गई, बट मुझे तो साड़ी में ही रहना पड़ेगा। नहीं ले रहे, एक दो ले रहे। कौन ले रहे? हम सा तो नहीं लेंगे मुझे पता। वो दूसरे वाले तेरे लेनी हो तो ले ले। तो नहीं ले ले, पता नहीं किस किसने पहन रखी है ये। तो ये सारी लड़कियां खड़ी ले रही है। नहीं वो तो है, ये बस पहनी हुई है सबकी, बाद में ये नदी में धोके सुखा देते इधर। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं रोहतांग और बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है और यहाँ हमने किया नाश्ता। और ये हमारी गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी आती नहीं है क्योंकि ये है 7 सीटर है, तो अच्छे से हम 6-7 लोग आराम से आ सकते हैं। तो ये हमने गाड़ी की किराए पे और बहुत ठंड है भाई साहब, बहुत ठंड। अभी तक वहाँ से होते हुए वो पूरा पहाड़ पार करने, देखो वहाँ गाड़ी जा रही, देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। वो देखो वो ये पूरे पहाड़ पार करने, बर्फ़ है फुल बर्फ़। देखो ये नॉर्मल दिख रही है, उस साइड फुल बर्फ़ है। तो आपको बताता हूँ मैं, अभी व्यू बताता हूँ, बहुत ही अच्छा शानदार होने वाला है। बेटे बेटा चला, तो चलते हैं आपको बताते हैं रोहतांग का व्यू। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। और करीबन हम मनाली से अभी यहाँ तक आए हैं करीबन 40 किलोमीटर और ऊपर अभी तक 20 किलोमीटर और जाना है। पूरे ऊपर है, फुल ऊपर है क्योंकि अटल टनल से वहाँ रास्ता बंद था और ये रास्ता अलग है, ये पुराना है। अटल टनल जो बना है ना, उसका जो प्रारंभ हुआ था तो ये रास्ता बिल्कुल आना जाए वहाँ यहाँ की बंद हो गई थी, तो वो सारे उधर से चले जाते हैं क्योंकि उधर से जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो है ना, तो वो साथ में हो गया और ये पहले था। देखते हैं अच्छा आएगा, मज़ा आएगा, आपको बताता हूँ मैं। और चलते हैं, देखो गाड़ी आ रही है नीचे से, आ रही है वहाँ से, देखो एकदम नीचे से आ रही है धीरे धीरे, यहाँ से होते हुए ऊपर से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, फिर पीछे से सड़क है होते हुए से ये पूरा क्रॉस करेंगे पहाड़ को। चलते नाश्ता हो गया, ओके बहुत समझ नहीं लियो बेड़ो। हाँ ठीक है, कई हाल साल है? बस एकदम फाइनल फाइनल। अरे बस पूछो मत ही। रेड बुल? अरे बस मार जगह एक जगह ना मार जगह बड़ा रेड बुल की कमी नहीं है। यू आज इना ना आया इना नहीं करियो जो को कमी है। भैया है बहुत मस्ती कर रहे हैं, मूड क्रैश हो जाता है, है ना, मूड क्रैश हो जाता है। चलो चलते हैं, क्यों लेट कर रहे हो आप? अरे गस्सा बात सही कौन। तो गाइस हम पहुंच गए लेकिन बर्फ पूरा पिघल गया, हाँ। बारिश की वजह से बर्फ पहले था यहाँ, मैं लेट जा गया लेट और पिघल गया। अभी आ करेंगे हम शूटिंग,
हमारे गाने बाकी है, वो करेंगे पूरे ओमनी में ऑफिसल के। एक एक दोनों तो सीन है, एक एक दो दो सीन है करेंगे। सांस फूल रही है जबरदस्त वाली। बारिश की वजह से पूरी बर्फ पूरी पिघल गई। आराम से जाना, आराम से फिसल जाओगे। हाँ फिसल गया। अरे संभल संभल जल्दी नहीं, जल्दी जाओ जल्दी है। ए संभल जल्दी कहाँ गाना फिसले। वे पैर निमा पगन हुओ दियो एकदम। आज जो जाल आ जालो जो को करेगा वो हम पहले जावला। तो जा के मैं तुको तर मामा आप सो में। परफेक्ट कैच ब्रो। ले पट में ले सड़ी आउंदे हॉलीवुड। ए रुक जाओ रुक जाओ पहले तो दूध दो जाना है। ले के बनाऊं मिगो मोनो मोनो आउंदो। ले धीरे लागो तेज एक धीरे एक तेज। ए आगे ले ले थोड़ा हाउ ना ना चलो ये बर्फ देखो। तो गाइज हमने यहाँ का सीन कंप्लीट कर दिया है। ओमनी ऑफिसल का कोई गाने का कुछ सीन बसे हुए थे और दो तीन सीन यहाँ ले लिए और दो सीन छोटा के लेंगे अपने थोड़ा आगे जब ज़्यादा बर्फ होगी वहाँ। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको बताता हूँ। ये रैपिंग करे देखो, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी वाली। देखो ये सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखो आप बाकी देखो बहुत देखो पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ है। ये हमारा ग्रुप आ रहा है पूरा। कैसा लग रहा है आपको दिनेश जी भाई साहब? अरे बस बहुत ही बढ़िया लगे ओम साहब। ये पाता थारी गजब इतना तगड़ो थारो यूं वास्ते बहुत हे बो गयो हे बो गयो हे बो गयो वो हमार मैं पड़ू ना थे देखो। ठीक है सुनो दिनेश भाई आप भी वहां से है ना? आप हमार फटफटिया हटफटिया होया गण लेन लगाओ आप। चलो ठीक है सब कुछ कर आप आगे। चलो ठीक है चलते हैं फिर एंजॉय करते थोड़ा हम। मिनी तू भी तो ए वो जा रहे देखो अभी हमारे दिनेश भाई करेंगे रैफ्टिंग। ओके 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 नहीं करनी नहीं करनी साड़ी हाँ लास्ट में करेंगे किला हो जाएंगे। ये ओके 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 दिनेश सही कहा है अपने मैं सिखाऊंगा। हेलो इन्हें सम समेट ले यार नहीं तो वीडियो बना दूंगा। दिनेश कहा है पकड़ मैं वो सिखाऊंगा। दिनेश भाई साहब आएंगे अभी। दे आते रुपा दे। मिमी
अपना आप ये टाइट पकड़ लो, कमीज को अंदर से ऊपर डालेंगे। आपका खौफ देखो। ए दीपो अरे लगी मैं राइट नतुल कौन थी पता ही मैं कितना हूँ अब कहाँ जाओगे अब कहाँ जाओगे अरे सो बड़े सूट बाकी हाँ पता नहीं समझ गए कमीज भी लो जाके सूट मतलब ये फायर उठा दिया है निमा निमा एक आदमी फुल बच्चू डर बुढ़े ए सुरेश जी मांग यार मैंने सिटिंग कर रहा मेरे सिर में थे बोलो बोलो ले कैसे कर दोस्त अभी देखना सुरेश जी का दाना देखना बच बच्चे हुए थे कैच 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 नहीं बस के एक साइड बैठे थे ना अरे ये अंदर से डाल दिया से अंदर से डाल देते और ये पकड़ लिया मैंने ये एक मेंबर है जिन्होंने शूटिंग को कोई मतलब नहीं है वो भी तो मजबूर है ओ मैंने सर मेरी बात बर्थडे बोले आटो लड़ो मन हमें साटो गणेश सेटिंग सही को आवे ना क्लोज तो बलिंग क्लोज ले ले हां वही सुरेश भाई क्या मतलब ना 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 यार मेरे को अच्छा बात है मैं आज छोड़ नहीं गलत बात है मेरे को मजाक कर रही है अरे कहीं का ओम साहब भी कहियो तो महेंद्र सा बचूड़ा है महेंद्र सा बचूड़ा मैं करूँ हाँ एक दो तीन ओम साहब
हेलो ओ यार बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है। इसके बीच में हम ले रहे हैं मजा, खूबसूरत बर्फ का। नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। देखो आप दोस्तों, ये है रोहतांग। ये रुको, ये लोग कैसे जा रहे हैं, देखो हाँ जी वो चाय पी रहे हैं उधर और मैं इधर मजा ले रहा हूँ। हेलो हमसा, हाँ जी तो बनाओ मेरो। हाँ जी तो मेरे वीडियो बनाना है। ब्लॉग में ऐसे काम बिल्कुल भी कहते थे बिल्कुल। क्या पहन रहे ये पहन रहे अभी? हाँ ठीक है, ये ड्रेस पहन रहे हैं दिनेश भाई। गजेंद्र जी कहीं है है तो घनी भरा पड़े है, अब में से कर सकते हो घरे सो भरे इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। ये क्या है? ट्रे ट्रे नहीं है मेरे पास, इसलिए ट्रे के ये लिए। अच्छा भाई इसमें चल जाएगा। ओ भाई हेलो रे दिनेश भाई, तैयार हो गए? नहीं सब यूं कर रही हूं मजा नहीं है। हैंग रेड बुल मुंडा देखो ये। एक मिनट हो हैंग को एक हैंग कौन कौन पी है ओ जाको। मैं तो व्लॉग बना रही हूं। हां वीडियो स्टार्ट है। अरे वाह मैं दिस साथ देख लूं। फाइनली रेड बुल मैंने पिया भाई। बताइयो चलने वाले चलते रहेंगे खेलते रहेंगे। रेड बुल ठंडो करूं मैं ओ माले। हां रेड बुल होई गरम कर दियो भाई, मैं अंदर से ठंडो करूं। एक मो बर्फ डाल दो। है ना मां नहीं चले मां होया मैं बिस्ती वाड़ो करूड़ो पग गिर भी गई। आवाज से पहले मम्मी वाला वास्ते में बर्फ लगाओ ने मेरे टेट बर्फ पड़ियो है। तो अभी दिनेश भाई आ रहे हैं, जो ये ना ये जो पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, इसको मेरे को पता नहीं है इसका नाम क्या है। इस पे आएंगे आप देखना कैसा उसका रहता है। देखते हैं दिनेश भाई, ये वहाँ खड़े, ये वहाँ खड़े, ये वो वाले दिनेश भाई है वो वाले। आप देखते आते हैं कैसा रहता है उनका। गिरते जबरदस्त वाले गिरेंगे पक्का है मेरे को। दिनेश भाई को कुछ बता रहा है वो कि आपको इस तरह से जाना है। वो देखो वो वाले आएंगे भी देखना। वो आ रहे आ रहे आया 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 नहीं गिरे। इन्होंने क्या पीछे से पकड़ रखा है वो देखो। जिंदर जी ये आ रहे कैसा कैसा फील हो रहा है? मस्त मस्त। भाई पीछे से पकड़ो मत उनको, उनको आप ऐसे ही आओ, फिर आओ वहां से आओ तभी आएगा मजा यार। वहां से छोड़ दो उनको, बोलो पीछे से छोड़ दो मेरे को। आड़ दो आड़ दो आ जाओ
वहाँ जा रहे वो, ये जा रहे वो, जा जान दे जान 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 दे आइयो आ जाओ गजेंद्र जी आ जाओ, छोड़ो उनको, बोला पीछे से छोड़ दो मेरे को, मैं छोड़ो पीछे से छोड़ो इनको, छोड़ दो इनको। कैसा कैसा बीच महलो ड्राइवर उन्हें, हाँ अच्छे से कैसा हारू तेज बड़ू बहुत शानदार हो रही है, पर मेरे को क्या शूटिंग करनी, नहीं तो मैं भी चला जाता, क्यों मैं पूरा भीग जाऊंगा, प्रॉब्लम वो है, नहीं तो मैं शूटिंग नहीं होती तो मैं भी ये करता क्राफ्टिंग डे हुआ आगे का बैलेंस बनाओ। अगर वैसा मेरे एक वैसा अगर मेरे एक पाउंड देखूंगा नहीं तो वैसा कह मैं कल कंपटीशन अब साथ में जाएंगे वार वार ए बे उसी पे डंडी रख के जा वार आगे जान वो गाना कोई हो जाए और वीर वालों आगे तो उसी पे रख के जोड़ दिए क्या करेंगे बस ओ मारो सही नहीं है टाइट पकड़ो ना तू आओ था बड़ी मैं तो क्या ए भी जान बुडियो बे पड़ोला पहला ही जीत लो ये आज तक जीरो बता हे हम तो हटी मती जाओ ना अरे हम के दुकान लगी वाह रुक जा देखो नहीं हट तक बुरी नहीं बर तो खाटो बर बर बुरी नहीं
देखो दोस्तों जबरदस्त जबरदस्त जाम लगा है। कम से कम मनाली से 50-60 किलोमीटर ऊपर आए हुए रोहतांग साइड। आप देखो जाम देखो, तो कोई मेला लगा हुआ जैसा जाम देखो। आप सब टूरिस्ट लोग है सब टोटली। देखो आप क्योंकि राजस्थान हरियाणा पंजाब दिल्ली सब जगह गर्मी बहुत है इसलिए सब लोग यहाँ घूमने आते। देखो भाई साहब जाम 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 ही जाम बस। देखो हमने शूटिंग कर ली है सीन काट ली है और काट लिया और मैं साथ में हूँ बिल्कुल मैं साथ में हूँ फोकस मेरे पे होना चाहिए। अमर भैया जी हमारे साथ में है। यहाँ पे कुछ सीन ले अभी हम रोहतांग से वापस आ गए। बीच में रेस्टोरेंट आया हमने चाय पी अभी कोई छीन ले लेते बाकी रह गया था तो अपना जुगाड़ चल जाता कहीं भी है। यहाँ से पीछे का व्यू देखो आप सर कोल्ड ड्रिंक लेना है। चलो चलो आगो दिन वीडियो बना बना के ली उसी। तो गाइस इधर ये नदी चल रही है इधर शूट करेंगे मेरा सॉन्ग। मैं न्यू चैनल बना रही हूँ निम्मी चौधरी ओनली फॉर निम्मी चौधरी नाम रखूंगी। तो जल्दी ही गाना आएगा जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है बात बात पर करे रिसाणो बात बात पर करे लड़ाई कभी तो प्यार जता वो वाला मैं पूरा ही गा दूंगी। बट इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चल रहा है फिलहाल आएगा आप जरूर देखा निम्मी चौधरी लोगों बना। और मैंने ये जूते पहने क्योंकि निम्मी मेरे फोटोज नहीं ले रही यहाँ पे तभी। हाँ सुनो इतना गलत हो रहा है मेरे साथ। कूदो नदी में ठंड पानी है। अरे यार अभी इसके रिएक्शन देखना आप लोग रिएक्शन देखने इसके सुरेश जी।
अभी इधर ही शूट हो रहा है, बाहर जाने का प्लान कैंसिल। तो हम उधर से आ गए होटल पे, और पहले प्लान था कि बाहर जाके शूट करेंगे फिर से, क्योंकि मेरा जो सॉन्ग था वो पूरा बाकी रह गया है एक अंतराली हुई। तो अभी फिर हमने कहा कि क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो हम अभी टेरेस पे आए और यहाँ पर ये सीन मतलब बहुत अच्छा आ रहा, तो फिर थोड़ा सा शूट इधर हो जाएगा, बाकी वाला कल करेंगे। तो अभी यहाँ पे शूट कर रहे हैं शूट के लिए, मेरे सॉन्ग के शूट के लिए, बात बात कर करें रिश्ताणों के लिए, बाकी वाला कल शूट करेंगे अदर ड्रेस। ये है टेरेस पे गाइस। तो अभी मैंने चेंज कर लिया है और हम जा रहे हैं मनाली मतलब मार्केट में, अभी मॉल रोड पे कुछ हमने कहा कुछ ख़रीदारी भी कर लेंगे और नॉर्मल वहाँ पे सीन वगैरह भी आ जाएंगे अच्छे वाले। और हम यहाँ आने के बाद वहाँ पे गए नहीं थे, तो सोचा कि आज जाके आ जाए। बाकी सब रेडी हो गया, मतलब मैंने एक्सचेंज किया है, मोना ने एक्सचेंज किया है, बाकी के वही है। चलते हैं आपको भी मतलब मार्केट के साथ दिखाते हैं। वैसे मैं एक बार गई हुई हूँ बट आज आई हुई है, तो जाके आ जाते, कुछ टाइम नहीं लगेगा इसलिए। हम कल जा नहीं पाए थे इसलिए हम आज जा रहे हैं। कल बारिश आ गई थी ना, कल हमने लद्दाख का बोला था बट हम सॉरी लद्दाख का नहीं, वहाँ का रोहतांग का बोला था। हम गए तो थे रोहतांग बट ऊपर नहीं गए, वो आज आज गए थे ऊपर से ऊपर। और मनाली मार्केट भी आज ही जा रहे हैं क्योंकि आज ही टाइम मिला है, कल और शूट है, देखते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड, वहाँ एक दो सीन है वो कट करेंगे मेन मार्केट में, उसके बाद में निमी जी को कुछ शॉपिंग करनी है, शॉपिंग कराएंगे निमी जी करेंगे शॉपिंग, उसके बाद में वो वापस आ जाएंगे टाइम पर। पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि आगे जाम लगा है बहुत, गाड़ी नहीं लेके आए हम, पास में ही है जस्ट। चलो चलते हैं मॉल रोड। आज मनाली में इतने दिनों बाद पानी तीखा तीखा कैसे बनता है, बहुत भीड़ है यार, ऐसे ज़्यादा भीड़ है। हाँ तो हम लोगों की शूटिंग इधर भी नहीं रुकनी है, यहाँ पे भी कैमरा लेके घूम रहे हैं देखो। कैसे वीडियो कर लेते, मुझे तो वो ही नहीं दिख रहा। अब कुछ कहना चाहोगे आप? रेस्टोरेंट मिला है वहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, इसका तो फास्ट फूड चलता है, रोटी भी मंगाई है, दाल मिक्स वेज पता नहीं क्या मंगाया। कुछ कहना चाहोगे? पहले पेट पूजा हो जाए।